यूपी के फतेहपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों की मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं लोगों का कहना है कि जो घायल हुए हैं उन्हीं के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है, जबकि हमलावरों पर ना तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई ही किया है। ये घटना फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गौती गांव की है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार में दो प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में पुलिस ने घायल प्रधान पद के प्रत्याशी कफील सिद्दीकी सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन घर में घुसकर मारपीट करने वाले सगीर और उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से क्षेत्र में काफी नाराजगी भी है। प्रधान पद के प्रत्याशी सहित तीन लोग घायल हैं, जिनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर हैलेट के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल प्रधान प्रत्याशी ने बताया कि वह लोग चुनाव प्रचार प्रसार करके अपने घर में बैठे थे, तभी सगीर अपने 30 से 40 साथियों के साथ गाड़ी में सवार होकर आया और मारपीट करना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। वहीं इस मामले में जब एसपी सतपाल अंतिल से बात की गई तो उनका कहना था कि प्रधानी चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर मारपीट हुई है, दोनों पक्षों की तहरीर मिली है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैं 10:30 बजे लगभग चुनाव प्रचार करके अपने दरवाजे पे बैठा था, उधर से मेरे प्रतिद्वंदी सगीर सिद्दीकी अपने 40-50 समर्थकों के साथ आए और मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप प्रधानी का चुनाव मत करिए। ये विपक्ष में जो है सगीर सिद्दीकी, इनके साथ में है आफाक, कानू, इश्तियाक, मासूक आलम वगैरह, ये एक दमन किस्म के लोग हैं। ये जबरन उसको बैठाना चाहते हैं कि चुनाव ये ना लड़े। अरे हम लोग बैठे थे कपिल सिद्दीकी के दरवाजे, उधर से उनके भाई सगीर सिद्दीकी रैली लेके आए, दरवाजे पर खड़ा करके गाली पत्थर ईटा पत्थर फेंक के मारने लगे और दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, सगीर सिद्दीकी का चुनाव अच्छा, उसका चुनाव खराब करने के लिए बड़ा भाई सगीर सिद्दीकी, उनके लड़का सोहेल सिद्दीकी, ये दोनों उनका चुनाव खराब करने के लिए ये माहौल को बिगाड़ा और पत्थर फेंक फेंक मारे कि इनके माहौल बिगड़े, पोजीशन डाउन। देखिए, ये दो प्रधान प्रत्याशी हैं जो कि एक ही परिवार के हैं, चाचा भतीजा हैं ये, और मोहम्मदपुर गोती गांव है, थाना सुल्तानपुर घोष के अंदर। इनमें किसी चीज को लेकर इनमें विवाद हुआ था और इस संबंध में पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर इसमें नियमानुसार अगली कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी पुलिस को दो तहरीर मिली है जिसमें कि पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जांच उपरांत जो भी उसमें तथ्य सामने आएंगे उस नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। दो तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई है, दोनों की जांच चल रही है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।